यहां पर हम क्या देखेंगे कि प्लेन बेल्टिंग के द्वारा कितना पावर ट्रांसमिट होता है और उस पावर ट्रांसमिट पर सेंट्रीप्यूगल टेंशन का क्या इफेक्ट आता है। ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन एक एक बार पूछा गया है। यहां पर जो टेंशन रहेगा इट इज टी वन और यहां पर जो टेंशन रहेगा इट इज टी। ये जो बेल्ट है, ये जो पुली है इसकी रेडियस है आर वन, ये जो पुली है इसकी रेडियस है आर, ये जो बेल्ट है इसकी स्पीड जो है ये भी डी क्या है स्पीड। देखिए टी वन जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टी टू, तो जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, इफेक्टिव फोर्स की वजह से। तो इफेक्टिव फोर्स कितना आएगा, इफेक्टिव फोर्स रहेगा इन दोनों टेंशन का डिफरेंस, तो इफेक्टिव फोर्स हो जाएगा आपका टी वन माइनस टी टू। फोर्स अगर आपको पता है और वर्क डन पर सेकंड कैलकुलेट करना है, पावर का मतलब क्या होता है वर्क डन पर सेकंड, तो वर्क डन पर सेकंड जो होता है आपका इट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी के ऊपर सपोज आप एफ न्यूटन का फोर्स लगा लो, तो अगर ये बॉडी किसमें आई मोशन में आई और इसकी वेलोसिटी अगर वी वेलोसिटी में, आपसे अगर पूछा जाता है कि आपने कितना वर्क किया, कितना वर्क डन हुआ, तो कितना वर्क डन होगा इट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये वर्क डन पर सेकंड, मतलब इतना पावर आप अप्लाई करोगे। तो यहां पर सिमिलरली वर्क डन पर सेकंड कितना आ जाएगा, ये इफेक्टिव फोर्स टी वन माइनस टी टू इंटू वेलोसिटी, और यही क्या कहलाएगा आपका पावर ट्रांसमिटेड बाय द प्लेट बेल्टेड। यूनिट क्या होगी, वर्क डन पर सेकंड हम देख रहे हैं, तो यूनिट जो होगी वो आपकी जूल पर सेकंड, या फिर उसको हम बोल सकते हैं वाट या किलो। क्लियर? अब देखिए ये एक्सप्रेशन तो आई होप आप लोगों को पता भी होगी, बट इंपॉर्टेंट इज दिस कि यहां पर हमको देखना है कि सेंट्रीप्यूगल टेंशन का, बड़ा यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, सेंट्रीप्यूगल टेंशन का क्या इफेक्ट आएगा इस पावर ट्रांसमिट पर। तो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीप्यूगल टेंशन, तो देखिए सेंट्रीप्यूगल टेंशन अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, इट इज एम वी स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देखें तो टाइट साइड भी आपका सेंट्रीप्यूगल टेंशन आएगा और स्लैक साइड भी सेंट्रीप्यूगल टेंशन आएगा, तो टाइट साइड टेंशन जो है वो कितना हो जाएगा उसको मैं नाम देता हूं टी टी वन, तो ये आएगा आपका टी वन प्लस टी सी, और स्लैक साइड टेंशन जो होगा कितना हो जाएगा टी टी टू विच इज इक्वल टू टी टू प्लस टी सी। तो अगर हम यहां पर बात करें वर्क डन पर सेकंड दैट इज पावर, पावर जो होता है आपका क्या होता है टी वन माइनस टी टू इंटू वेलोसिटी भी, तो यहां पर यहां से इस एक्सप्रेशन से टी वन कितना जाएगा आपका इट इज टी टी वन माइनस टी सी, और टी टू आ जाएगा आपका टी टी टू माइनस टी सी। अब देखिए बेटा यहां पर अगर हम बात करें कि ये जो टेंशन है टी टी वन, अब आपका इफेक्टिव टेंशन जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, इफेक्टिव टेंशन जो होगा क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। अब ये टाइट साइड टेंशन इतना हो गया और स्लैक साइड टेंशन इतना हो गया, तो
तो यहां पर ये TT1 और TT2 की जगह क्या आएगा, ये दोनों टेंशन है, तो ये दोनों टेंशन आ जाएंगे, तो हमारे पास रिलेशन जो बनेगा पावर ट्रांसमिट का, इट इज इक्वल टू T1 प्लस TC माइनस T2 प्लस TC इनटू V। ये हो इफेक्टिव टेंशन, तो अब इन दोनों का डिफरेंस बन जाएगा ना, इफेक्टिव फोर्स इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स, ये रहेगा आपका TT1 माइनस TT। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर हमको अगेन क्या मिलेगा, T1 माइनस T2 इंटू, टीसी से टीसी कैंसिल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम देख रहे हैं कि पावर ट्रांसमिशन में इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इट इज ए थ्योरिटी का। ये क्या है आपका थ्योरिटी का कॉन्सेप्ट, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहां पर पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाती है। सर यहां तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, लोग ये वाला रिलेशन पढ़ते हैं और वहां पर आंसर कर देते हैं कि पावर ट्रांसमिशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट एक्चुअली में पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखिए अगर स्लिप होगी, आप खुद बताइएगा बेटा, अगर स्लिप होती है तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये सभी लोग जानते हो। तो यहां पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आएगा मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, उसकी वजह से ये बेल्ट जो है क्या होगी, स्ट्रेच होगी। ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बेल्ट जो होगी क्या होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी, तो यहां पर आपकी जो पुली है वो घूम जाएगी विदाउट केयरिंग द बेल्ट। क्यों, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा लूजनेस आ जाएगी, लूजपन आ जाएगा यहां पर, इसलिए ये जो बेल्ट है इस पुली की स्पीड से नहीं घूम पाएगी। ये एक्चुअली में ये जो वेलोसिटी जितनी होना चाहिए उतनी ये वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी इस बेल्ट को, क्योंकि बेल्ट जो है ये किसकी वजह से चलेगी, ये बेल्ट चलेगी इस पुली की वजह से, और यहां पर ये बेल्ट जो है और ये पुली के बीच में कॉन्टेक्ट जो है थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो अल्टीमेटली वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो एक्चुअली, ध्यान से सुने, एक्चुअली पावर ट्रांसमिशन जो होगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको नोट डाल के आप लिख लेंगे कि एक्चुअली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज डिक्रीजेस। बड़ा 100% की बात है जो कि कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, आप चाहो जितने स्टार इसके ऊपर लगा सकते। थ्योरेटिकली अगर हम देखेंगे तो कोई पावर ट्रांसमिशन में चेंज नहीं आएगा, बट एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये चीज, तो नोट कर लें जल्दी से इसको, फिर हम आगे बढ़ें।